गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग अगेन नई राइड पे जा रहे हैं। इट्स नॉट न्यू बट इट्स वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। बहुत छोटी सी राइड है और हम लोग जो हैं आज जा रहे हैं शेर पंजाब ढाबा और वहाँ जाएंगे, छोटी सी राइड लेंगे। पीछे जो है छोटा सा एक फॉरेस्ट पार्क है, वहाँ पे कुछ थोड़ी देर हैंग आउट करेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे, खाएंगे पियेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे और फिर हम वापस आएंगे। सो चैनल 40 टू राइडर 40, बाय, मिलते हैं वहाँ पे। दोस्तों आज हम चलते हैं शेर पंजाब ढाबा जो कि हार्ट ऑफ दिल्ली में है। और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पे मैंने सुना है कि पीछे एक मतलब जंगल ट्रैक है जहाँ पे हम लोग आज मज़े लेंगे। देखते हैं वहाँ पे आज क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। थोड़ा हॉन्टेड भी है सुना है, तो देयर आर लॉट मैनी स्टोरीज, सो वी विल गोइंग टू यू नो एक्सप्लोर दैट। हेलो जीजू, आ गए, क्या हाल जीजू। तो अब हम पहुंच गए हैं और दादा एंड मोहित हमें आगे मिलने वाले हैं। एंड वी आर वेटिंग फॉर ब्रिजेश नाउ। चलो भाई, शर्मा जी और ब्रजेश बिरजू आ गए हैं, चलते हैं आप अपने गंतव्य स्थान की तरफ। आगे हमको अक्षरधाम पे दादा से मिलना है और फिर सीधे हम अपने चलेंगे अपने जहाँ पे हमें जाना है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडे के आज ठंड है, मतलब लग रहा है और आप देख रहे होंगे कि जो नेचर जो है वो अपना ठंड स्टार्ट कर दिया है उसने, और हवा ठंडी है और कोहरा भी है थोड़ा थोड़ा सा। अब इसको स्मॉग कह लो या फॉग कह लो, बट इट्स स्टार्टेड नाउ। तो चलो जी चलते हैं। शर्मा जी ने फर्स्ट राइड पे हमारे साथ ज्वाइन किया है और उन्होंने बहुत ही सेक्सी सी एक बाइक ली है और 500 बुलेट है उनकी पसंदीदा सवारी। तो आज उनके साथ हम लोग जा रहे हैं उनकी फर्स्ट राइड पे। हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जो दिल्ली का हार्ट है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ वहाँ पर ट्रैक है, मतलब ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जगह है। सुना है वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, कोई कहता है हॉन्टेड भी है वो जगह, बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। ये देखो शर्मा जी की बाइक हमारी, वाओ, क्या हाल है शर्मा जी, बढ़िया चगास। चलो 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 जी, दादा मिल गए हमको, तो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। अरे वाह, पैरी पौना, वाह 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 वाह, क्या हाल दादा, सुट्टा चल रहा है पहले हैं। अरे रे रे, वाह वाह वाह, शर्मा जी का वेलकम टू राइड ऑफ 40। चले भाई, चलो यार बिरजू वाले, चलो भाई चलते हैं यार, और मज़ा आएगा, आज कुछ नया करने को मिलेगा। राइडिंग तो हम करते ही हैं, आज ट्रैकिंग के भी मज़े लेने हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा है। चलें भाई, चलो लेट्स गो। क्या रोड है यार, यमुना ब्रिज जो है अपना बिल्कुल क्लियर। हम लोग सिर्फ राइडिंग की मदद ले रहे हैं और जीजू जा रहे हैं आगे, चलते हैं यार आज कुछ क्रांति करेंगे वहाँ चल के, देखते हैं क्या है। और यार बड़े दिनों से ना एक इच्छा है कि कुछ दिल्ली से बाहर जाके भी कुछ किया जाए। देखो ये इच्छा कब पूरी होती है, जल्दी होगी और जब भी होगी आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे।
चलो भैया, बारापुला फ्लाईओवर पे अब हम आ गए हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं। मतलब हार्डली आई थिंक 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता रह गया है। बट यार सुकून से राइड का जो मज़ा है ना, उसमें कोई ऐसा एक फ़न है, मतलब कोई लेने की ज़रूरत नहीं है टेंशन के, भगानी है गाड़ी। यार यहाँ पे हम कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में हम आ चुके हैं। और यार जब भी यहाँ पे, मतलब मेरा थर्ड या सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है कि जब भी हम इस एरिया में आते हैं तो नॉर्मल दिल्ली में कुछ भी टेम्परेचर हो, यहाँ पे उससे यार 2-4 डिग्री कम ही होता है। मतलब हालत ख़राब हो जाती है, बिकॉज़ पीछे जो है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और चलो जी, हमारा अड्डा आने वाला है, अपना शेर पंजाब आने वाला है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो वही है कि यार यहाँ पे साइकिलिंग भी होती है, यहाँ पे लोग वॉक भी करते हैं, यहाँ पे लोग ट्रैक भी करते हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट भी आते हैं, तो इट्स अ गुड एंड फन, यू नो। चलो भाई, अब हम पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। अब देखना है कि हमको यहाँ पे पार्किंग आराम से मिलती है या थोड़ा आगे पीछे करते हैं। तो बहुत सारी पार्किंग है यार, टेंशन ही नहीं लेने का। यहाँ तो बस गरम गरम चाय पियो, नाश्ता करो, कुछ बातें करो, कुछ मज़े लो अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट। सुबह का यार नाश्ता यहाँ पे मिल करो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसका बात ही अलग है यार। चलो जी, स्पीड ब्रेकर जो है बड़े स्मूथ है ऐसे यहाँ पे इस रोड पे। अक्सर दिल्ली के स्पीड ब्रेकर जो होते हैं वो जानलेवा होते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है अभी तक। तो चलो भैया, दादा आ गए हम। अरे 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 अरे, आगे आगे मिलेगी रास्ता, यहीं पसा दो। कहना चाहेंगे आप लोग इस जगह के बारे में? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लॉट ऑफ स्नेक्स। एनाकोंडा भी मिला, एनाकोंडा से मुलाकात हुई। मेरी पहली राइड है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैकेट पहन के बिल्कुल ट्रैकर वाले फॉर्म में आ चुके हैं हम लोग, जो कि हम बिल्कुल नेचुरली बिल्ट है। और देखिए अभी बस डेमो चल रहा है, जाते हुए तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, अभी जो पीछे तेंदुआ मिला उससे किसी को कोई घबराहट कुछ ऐसी फील हुई? घबराहट हमने उसे गोदी में उठा के खिलाया उसको थोड़ी देर तक। मैं उसका राइड देना चाह रहा था एक्चुअली, बाइकिंग के बाद जो तेंदुआ राइड का मन था वो थोड़ा घबरा गया, तो लेट हिम बी। और उसको लगा ये सारे राइडर्स 40 चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, तो बस ही दब जाएगा बेचारा। चलो, वैसे तेंदुए तो अपना रोज का हो गया ना आजकल। हम वैसे भी लास्ट टाइम जो हमारी राइड है वो लेपर्ड ट्रेल की हुई है। अच्छा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो कल ही अपलोड किया है, तो इस बार फिर कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। वो देखो वहाँ कुछ जंगली कुत्ते हैं, जंगली कुत्तों का झुंड।
यार तुम कुत्ता हो जाके पूरा खराब कर दिया दूर से। दूर से किसको पता लग रहा है, दूर से किसको पता चलता है यार। सॉरी, टेक टू। वहाँ थोड़ी दूरी पे कुछ भेड़ियों का झुंड दिख रहा है हमें। एक खूंखार आदमखोर भेड़िया, ये देखो साइकिल वाले भागते हुए आ रहे हैं वहां से, बचते हुए अपने आप। ये जावाज जो अभी हमारे बाजू में से साइकिल वाला निकला है, बेयर ग्रिल्स का पोता है ये, और ये बेयर ग्रिल्स का नाती, और ये बेयर ग्रिल्स के कजन्स। इनका इंटरव्यू लेना है क्योंकि बेयर ग्रिल्स हमारे बाजू में चल रहे हैं। बेयर बिगड़ गए बेयर ग्रिल्स के। ये देखिए कैसे इन भेड़ियों को अभी हम काबू में लेते हैं अभी अपने। हेलो बॉय, गर्ल्स भी हैं सर, पूरा मान यही। लेट्स से गाइस, एंड व्हेन आई से गाइस आई मीन गर्ल्स एज वेल। हमारा एक साथी कुछ किलोमीटर पीछे रह गया है। ये भौंक पड़े, इन्होंने पोल खोल दी जी। ये ऐसे भेड़िया, ये बेसिकली भौंकने वाले भेड़िया हैं। इज्जत दे रहे थे भेड़िया वाले, थे भौंक पड़े। So we are at lake side now. तो जंगल में क्या क्या नाचा अंकित? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी लेक है और ये बहुत ज्यादा गहरी है, मगर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा पीछे हट जाएं क्योंकि इस झील में खतरनाक मगरमच्छ होने की भी पूरी पूरी उम्मीद है। वो देखो एक मगरमच्छ मुझे जो है वो, हाँ ये मगरमच्छ दिख रहा है वो। इट्स अ गुड प्लेस टू यार हैंग आउट, यहाँ पर खूंखार भेड़ियों इन दिल्ली। सीरियसली भेड़िया, कोई भेड़िया बोलना थोड़ी सी।